हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नवरात्रि का महीना चल रहा है, तो अभी नवमी का दिन आज है और आज हमारे घर पे समय माता का स्थान है, तो वहाँ पे समय माता को कुछ प्रसाद चढ़ाया जाएगा। तो प्रसाद में समय माता के लिए कड़ाही चढ़ाया जाता है, मतलब सुहारी बनाया जाता है और लस्सी, गाँव में ऐसे बोलते हैं सुहारी लस्सी, लेकिन कहीं कहीं पर पूरी लस्सी भी बोलते हैं। तो आटे का पूरी बनाएंगे और आटे का ही लस्सी बनाएंगे और वो बनाने के बाद में समय माता को या काली माता को चढ़ाते हैं। तो हमारे घर पे समय माता का स्थान है, तो हमारे घर पे आज सुहारी और लस्सी बना के समय माता को चढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसमें से हम लोग खाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, आपको दिखाते हैं कैसे हमारे घर पर। तो देख सकते हैं हमारे घर पे पूड़ी छन रही है और उतना हो गया छन के, बस यही तीन चार पूड़ी बची है। तो समय माता का स्थान है यहाँ पे हमारे, यहाँ पे दुर्गा माता समय माता का। तो यहाँ पे नवरात्रि के शुभ अवसर पे तो ये हर साल ऐसे कड़ाही चढ़ाया जाता है। तो हर साल नवमी के दिन यहाँ पे समय माता को कड़ाही चढ़ाया जाता है। कड़ाही चढ़ाया मतलब पूरी बना के और लस्सी बनाते हैं और उसके बाद में दुर्गा माता को भोग लगाते हैं। उसके बाद में वो जो प्रसाद बचता है वो सब हम लोग खाते हैं। तो ये हमारे घर पे बहुत पुराना है समय माता का स्थान है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे डेली पूजा पाठ करते हैं। तो देख सकते हैं अभी सुहारी हो गया, मतलब पूरी बन गई है, लेकिन लस्सी बनाने के लिए आटा को कैसे भूज रहे हैं और इसमें शक्कर भी डाला गया है। तो इसको पहले भून लेते हैं, मतलब भून लेते हैं धीमी आंच करके, और जब लाल हो जाएगा उसके बाद में इसमें पानी डालेंगे और शक्कर अपना जितना मीठा खाना रहेगा उस हिसाब से डालेंगे। उसके बाद में लस्सी तैयार हो जाएगी, फिर समय माता को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम सब लोग खाएंगे। तो पानी डाल देंगे, इतना ज़्यादा डालेंगे कि लस्सी मतलब अच्छी रहे, ज़्यादा पतली भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो। बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो अच्छी भी नहीं लगेगी लस्सी। तो यही है लस्सी, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देख लीजिए लस्सी कैसे बना रहे हैं हमारे घर पे। पूड़ी बनने के बाद लस्सी बन रही है, उसके तो अभी देख सकते हैं पानी इस हिसाब से डाले थे कि ये गाढ़ा रहे, गाढ़ा रहेगा तभी खाने में अच्छा लगेगा। अभी देख सकते हैं पहले इसलिए भूज लिए थे कि उसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी रेडी हो गया है, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है ये बना के। तो रेडी हो गए देख सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं पूजा पाठ हो गया है, माता जी को भोग भी लगा दिए हैं और अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग भी खा लेंगे। तो देख सकते हैं पूड़ी बना है और दाल नहीं बना है, चावल है और सब्जी है फुलावर का, और प्रसाद जो है लस्सी पूड़ी।
आज हम लोग यही खाएंगे खाना। तो खाना आ गया है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं खाना। और हमारे साथ में रामजीत भी खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं। तो हम दो लोग हैं और अमरजीत हैं दुकान पे, अभी वो आएंगे फिर वो भी खाएंगे। जय माता दी। तो फ्रेंड खाना खा के हो गया हम लोग का और पेट भर गया, मस्त अच्छा लग रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।